गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम व्यंजन संधि की तीसरी संधि यानी व्यंजन संधि का तीसरा प्रकार है जसत्व संधि, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सबसे पहले हम सूत्र देखते हैं। इसका सूत्र है इसका झलाम जसो अंति। झलाम जसो अंति का मतलब हुआ अर्थात यदि पद के अंत में झल वर्ण हो तो उनके स्थान पर जस वर्ण आदेश हो जाता है, लेकिन आगे या तो स्वर हो या फिर वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा है यह वह र ल इनमें से कोई वर्ण हो तब ही जस वर्ण होगा। अब देखिए समझ लेते हैं झल वर्ण कौन कौन से हैं। तो देखिए बेटा यहाँ दे रखा है वर्गों के, वर्ग तो आप जानते ही हैं, जैसे क वर्ग है तो पांचों अक्षर आएंगे क में, क ख ग ण, च वर्ग है तो च छ ज ण पांचों अक्षर, इसी प्रकार से वर्ग होते हैं सभी अक्षरों के। तो देखिए यहाँ वर्ग दे रखे हैं तो वर्गों के 1 2 3 4 यहाँ वर्ग दे रखे हैं, देखिए 1 2 3 4 यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण तथा अथवा स स स है, इन ये सारे जो वर्ण है ना ये तो क्या है जल वर्ण, ठीक है। और जस वर्ण किसे कहते हैं, जस वर्ण का मतलब हो गया उसी वर्ग का तीसरा वर्ण, उसी वर्ग का मतलब जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा ग, ठीक है, ये क्या कहलाएगा जस वर्ण कहलाएगा, ये सारे जस वर्ण कहलाएंगे और ये सारे कौन से वर्ण है जल वर्ण है, ठीक है बेटा। देखिए यहां देखिए जैसे ये जल वर्ण और ये जस वर्ण, जैसे मान लो प्लस से पहले इन चारों में से कोई वर्ण आता है तो इनके स्थान पर यह वर्ण हो जाएगा तीसरा वर्ण, यदि इनमें से कोई वर्ण आता है तो तीसरा वर्ण ज बनेगा, इनमें से कोई वर्ण आता है तो तीसरा वर्ण ड बनेगा, तथा दधने में से कोई इसमें से कोई वर्ण आता है तो उसका द बन जाएगा, और पैफ है वह से कोई वर्ण आता है तो वह वर्ण बनेगा, अर्थात उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है। तो देखिए ये क वर्ग च वर्ग ट वर्ग ये त वर्ग प वर्ग, ठीक है, ये तो हमारी हो गई झल वर्ण और जस वर्ण की स्टोरी। अब देखिए हम एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल में देखिए यहां दे रखा है वाक प्लस ईश, ठीक है, वाक प्लस ईश, देखिए यहाँ यह भी कह रहा है लेकिन आगे या तो स्वर हो या फिर वर्गों के ये वर्ण हो तो ही ऐसा काम होगा, इसमें परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ ई यानी स्वर आ गया तो इसके इस क के स्थान पर ग बन जाएगा, ग बन गया और ग में ई जोड़ेंगे तो पूरी बड़ी की बन जाएगी और हमारा शब्द बन जाएगा वागीश, ठीक है। दिग्गज इसमें भी वही है, देखिए क के स्थान पर ग बनेगा और आगे ग है तो ग जो कहते हो लिखा जाएगा तो दिग्गज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए अच प्लस आदि च वर्ग आ गया, च वर्ग का पहला अक्षर है तो इसका तीसरा बनाएंगे ज बन गया, आपको जोड़ेंगे ज बन जाएगा आजादी बनेगा। इसके बाद मत प्लस ई, देखो त वर्ग है, त वर्ग का द बनेगा तीसरा वर्ण और ई की मात्रा जोड़ेंगे तो बड़ी दी बन जाएगा मदीय। सु प्लस अंत, प में प वर्ग का प्रथम अक्षर है, अब इसका थर्ड बनाएंगे तो पै का वे बन गया और वे में ए जोड़ेंगे तो पूरा वे बनेगा सुबंत बन जाएगा। इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, जगत प्लस ईश, जगत प्लस अम्बा, सट प्लस आनंद, उत प्लस देश्यम, भवत प्लस ई, ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ेंगे।
इसके बाद इसी का सूत्र नंबर दो है, जलाम जस जसी। देखिए ये क्या कहता है सूत्र नंबर दो, जलाम स्थानी जस स्यात जसी परे, अर्थात जल वर्णों के स्थान पर, जल वर्णों के स्थान पर जस वर्ण आदेश हो जाते हैं। अब आपको पता ही है जल वर्ण और जस वर्ण क्या होते हैं, ऊपर पढ़ी लिया अपने हमने। अब देखिए लेकिन आगे देखो क्या है, जस वर्णों के परे रहते, आगे क्या होना चाहिए, जस वर्ण होने चाहिए। अब जस वर्ण और पढ़ेंगे, जस वर्ण का मतलब क्या हुआ, वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर, यानी ये तीसरा और ये चौथा अक्षर, ये सारे वर्ण, इन सारे वर्णों में से कोई सा भी वर्ण आगे हो तो फिर पिछले वर्णों के स्थान पर तीसरा और चौथा वर्ण हो जाएगा। कैसे, देखिए दघ, दघ प्लस धय, देखिए यहाँ पर क्या है, धय आ गया, धय कौन सा वर्ण है, चौथा वर्ण, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, घय, घय भी कौन सा है, चौथा वर्ण, ठीक है, इसका चौथा वर्ण, ये इसका चौथा वर्ण, तो इस ये जो घय दे रखा है इसके स्थान पर इसी का तीसरा वर्ण बन जाएगा, बन गया घय, और आंसर हो गया हमारा दग्ध, ठीक है, बुध प्लस धी। अब देखिए बुध में धय आ गया और धी में भी धय आ रहा है, तो यहां देखिए चौथे वर्ण के बाद चौथा वर्ण आ रहा है, तो इस पहले जो चौथा वर्ण है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा, कौन सा तीसरा वर्ण, ये रहा द, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, बुद्धि, बुद्धि बनेगा। इसके बाद देखो दुघ प्लस धम, घय, घय घड़ी पहले आ रहा है उसके बाद धय, चौथे वर्ण के बाद चौथा वर्ण, तो इस पहले चौथे वर्ण के बाद में, सॉरी इस पहले चौथे वर्ण के स्थान पर इसी का तीसरा वर्ण यानी गय बन जाएगा और हमारा आंसर होगा दुग्धम, दुग्धम यानी दूध, ठीक है बेटा। अब देखिए अर्थात में दे रखा है, इस नियम का तात्पर्य है कि दोनों पदों में चतुर्थ वर्ण होने पर भी उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, यानी दूसरे दोनों पदों में कोई सा भी वर्ण हो तीसरा या चौथा तो उसके स्थान पर तीसरा वर्ण ही बनेगा। इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट संधि समझाऊंगा, तब तक के लिए इसे पढ़ें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव यू नाइस डे।